दोस्तों चौड़े विंग्स या जिसे हम लैट्स मसल्स भी बोलते हैं, ये हमारी बैक मसल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर इस मसल्स को हमने सही से ट्रेन कर लिया तो हमारी बॉडी काफी ज्यादा मस्कुलर लगने लगती है और वो काफी ज्यादा ब्रॉड लगने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब अपनी लैट्स मसल्स को हम घर पे ट्रेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें हम अपने घर पे परफॉर्म करके और अपनी लैट्स मसल्स को काफी ज्यादा चौड़ा बना सकते हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि लैट्स मसल्स और हमारी बैक मसल्स को घर पे कैसे ट्रेन करें, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज मैं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें आप अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हो। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी डंबल उठाने की जरूरत नहीं है। ये सारी एक्सरसाइजेस अपने घर पे परफॉर्म करके और अपनी बैक मसल्स को लैट्स मसल्स को काफी ज्यादा चौड़ा बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर पे ही जिनके पास डंबल्स हैं बारबल्स हैं, तो उनके लिए भी एक्सरसाइजेस मैं लेफ्ट साइड में आपको दिखाऊंगा और जो घर पे जो एक्सरसाइजेस करनी है वो मैं राइट साइड में आपको दिखाने वाला हूं। तो आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे जिसको बोलते हैं लैट्स पुल डाउन। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि लैट्स पुल डाउन मशीन में हम लोग कैसे करते हैं जिम में। और अगर आप लोग घर पे करना चाहते हो तो आप लोग किसी टॉवेल को ले सकते हो जिसको आपको कुछ इस तरीके से करके और एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, लेकिन जब आप लोग ये एक्सरसाइज करोगे तो आप लोग को अपनी लैट्स मसल्स में काफी ज्यादा गर्मी फील होगी और वो मसल्स आपको बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती हुई फील होगी। देखिए, जब आप लोग घर पे होम वर्कआउट्स करिएगा, मैं आपको बता दूं कि जितने भी वर्कआउट्स आज मैं बताने वाला हूं, हर वर्कआउट के आपको मिनिमम लगाने हैं 4 सेट और हर सेट में 20 रिपीटेशन से कम आपको नहीं लगाना है, तभी आपके ऊपर ये सारी जो एक्सरसाइजेस हैं ये वर्क करेगी। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जिसको बोलते हैं टॉवेल रो। जैसे हम लोग जिम में लगाते हैं बारबेल रो जो कि आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वैसे ही हम घर पे लगा सकते हैं टॉवेल रो। इसमें आपको टॉवेल को बहुत हार्ड तरीके से, बहुत टाइट तरीके से पकड़ना होगा और अपनी जो बैक मसल है उसको बहुत ज्यादा स्क्वीज करना होगा, ट्विस्ट करना होगा। आपकी पूरी मसल्स आपको फील होनी चाहिए, तभी आपके ऊपर ये एक्सरसाइज सही से असर करेगी। इस एक्सरसाइज के भी हमें 4 सेट करने होते हैं और मिनिमम 20 रिपीटेशन तक जाने की कोशिश करनी होती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जिसे हम बोलते हैं श्रग पुशअप। देखिए, इसमें क्या करना होता है, हमें जैसे पुशअप हम करते हैं उसी तरह करना होता है, लेकिन हमें श्रग पुशअप करना होता है, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोग अपने घर में इस एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इस पुशअप की मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप लोग जितने रिपीटेशन निकाल सको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग 20 से ज्यादा निकाल पा रहे हो तो आप लोग निकालो। इससे क्या होगा कि आपकी जो बैक मसल्स है, जो लैट्स मसल्स है, वो बहुत तेजी से एक्टिवेट होंगी और आप इस एक्सरसाइज को घर पे ही करके अपनी लैट्स मसल्स को काफी ज्यादा बड़ा, काफी ज्यादा चौड़ा बना सकते हैं। आप लोगों को लेफ्ट साइड में एक्सरसाइज दिख रही होगी जो कि टी बार रो है, जो कि हम जिम में करते हैं, तो टी बार रो भी आप लोग कर सकते हैं। जो आप लोग जिम में करेंगे तो आपकी लैट्स मसल्स काफी तेजी से डेवलप होंगी। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को जिसको बोलते हैं मैट पुलओवर। देखिए, इस एक्सरसाइज को जैसे हम लोग नॉर्मल पुलओवर करते हैं, एक्सरसाइजेस डंबल से करते हैं, बारबेल से करते हैं, उसी तरह हम लोग घर में इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको अपने पैरों को किसी ऐसी चीज पर रखना होगा जो थोड़ी सी फिसले। अगर आप लोग चाहो तो अपने पैरों में मोजे पहन सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो अपने पैर के नीचे किसी भी कपड़े को रख के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हो, उससे भी आपका पैर फिसलेगा। और इस एक्सरसाइज को जब आप परफॉर्म करोगे तो आप ये फील करोगे कि जो बैक मसल्स है आपकी वो काफी ज्यादा स्क्वीज होंगी। इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा आपको ध्यान से करने की जरूरत है, आपको अपने जो हाथ है उनको स्टेबल पोजिशन में रखना है और अपने पैरों को, अपने लेग्स को आपको मूव कराना है। तो थोड़ा सा ध्यान से इस एक्सरसाइज को करिएगा। इस एक्सरसाइज के भी आप लोग कोशिश करिएगा कि 4 सेट करें और मिनिमम आप लोग 20 रिपीटेशन निकालने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जिसको बोलते हैं लाइंग बैक एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज में देखिए हमें क्या करना होता है, हमें जमीन पे लेट जाना होता है और बैक एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से हम लोगों को परफॉर्म करनी होती है। ये जो एक्सरसाइज आप लोग देख रहे हो, इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो लोअर बैक है और साथ में आपकी जो अपर बैक है जहां पे आपकी लैट्स मसल्स आती है, वो दोनों ही काफी अच्छे से यहां पे ट्रेन होती है। ये जो एक्सरसाइज आप लोग देख रहे हो, इस एक्सरसाइज के आपको करने होते हैं 4 सेट और इसमें भी 20 रिपीटेशन मिनिमम आपको लगाने हैं। अब देखिए, मैं जितनी भी मैं आपको एक्सरसाइजेस बता रहा हूं, सारी एक्सरसाइजेस आपको घर
घर पे करनी है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम घर पे एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज्यादा रेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जिम में एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हम भारी भारी मशीनों पे एक्सरसाइज करते हैं, भारी भारी डंबल उठाते हैं, लेकिन जब घर पे करते हैं तो हम रिपीटेशन थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं और ब्रेक जो हमारा जो रेस्ट का टाइमिंग है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, तब हमारी जो मसल्स का एक्टिवेशन है वो काफी तेजी से होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जितनी एक्सरसाइजेज मैंने बताई सारी करके आप अपने घर पे ही अपनी लैट्स मसल्स को काफी ज्यादा चौड़ा बना सकते हैं और आपको जो चौड़े विंग्स चाहिए वो काफी जल्दी पा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो दोस्तों शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।